क्या आप मानस टेक के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? यदि आप मानस टेक का इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं शिवा गौतम आपको बताने जा रहा हूँ मानस टेक के मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन 2024। ठीक है, इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया हुआ था, यदि कुछ लोगों ने देखा होगा वीडियो, तो उसके अंदर मैंने क्वेश्चन बताया था कि कौन कौन से टॉप क्वेश्चन होते हैं, उसके आंसर के लिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था। मैं ये टेस्ट करना चाह रहा था कि आप उसका आईआरएनडी करते हैं कि नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने वो वीडियो देखे हैं, ठीक है, और उसके साथ उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा भी है कि सर हम इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन है का आंसर हम जानना चाहते हैं। तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से उस क्वेश्चंस के आंसर्स इसमें दे रहा हूं। इसका मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, लास्ट तक आप वीडियो देखिए, ठीक है। इसके अंदर आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं कि मानस टेक में जब आप इंटरव्यूज के लिए जाते हो तो उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि पहला क्वेश्चन यही होता है, व्हाट इज मानस टेक, मानस टेक होता क्या है, ठीक है। तो जनरली बहुत सारे बच्चे मानस टेक के अंदर मोंगोडीबी और एक्सप्रेस जेएस को छोड़कर के बाकी सब बता देते हैं। तो इसमें मानस टेक में आपको चारों चीजें बताना है कि मानस टेक इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी यूज फॉर बिल्डिंग वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। मानस टेक में बहुत सारे टेक्नोलॉजी का कलेक्शन होता है और इसके थ्रू अपन वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। इट कंसिस्ट मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट जेएस एंड नोड जेएस। आपको ये बताना है कि इसमें मोंगोडीबी होता है जिसका काम डेटाबेस ऑपरेशंस के लिए होता है, मतलब मोंगोडीबी अपने आप में एक नो एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस है। एक्सप्रेस जेएस के बारे में बताना है कि एक्सप्रेस जेएस आपका एक वेब फ्रेमवर्क होता है, रिएक्ट जेएस आपका एक फ्रंट एंड बेस्ड जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है और नोड जेएस आपका एक रन टाइम एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू अपन जावास्क्रिप्ट के थ्रू डायनेमिक प्रोग्रामिंग कर सकते। आपको इतना बताना है, ठीक है, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट में आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन ईच कंपोनेंट ऑफ मर्न, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज मोंगोडीबी, ठीक है, मोंगोडीबी क्या है। तो मोंगोडीबी इज अ नो एसक्यूएल डेटाबेस दैट स्टोर डेटा इन फ्लेक्सिबल जेसन लाइक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो आपके डेटा को जेसन डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट में स्टोर करता है और ये नो एसक्यूएल बेस्ड है। तो कभी-कभी इंटरव्यूअर ये भी पूछ लेता है कि व्हाट इज नो एसक्यूएल बेस्ड। तो नो एसक्यूएल मींस इफ वी नॉट राइट एनी एसक्यूएल क्वेरी दैट इज कॉल्ड नो एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस, ठीक है, ये पूछ सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंसेस भी जा सकता है इसके अंदर कि भाई नो एसक्यूएल और एसक्यूएल में क्या डिफरेंस होता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हो कि नो एसक्यूएल अपना खुद का एक स्ट्रक्चर डिजाइन पैटर्न को कंटेन करता है या जेसन लाइक फॉर्मेट में लिखा जाता है। एसक्यूएल अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, इसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं, इसमें अलग अलग टाइप के कमांड्स चलते हैं, ये डिफरेंसेस होता है। और एसक्यूएल मोस्ट ऑफ द आरडीबीएमएस पैकेज के साथ यूज होता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को जितना ज्यादा शॉर्ट और जो मेन पॉइंट है वो आपको बताना है। डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल बेस एंड नो एसक्यूएल बेस मैंने अभी आपको बता दिया। एसक्यूएल डेटाबेस आर रिलेशनल स्ट्रक्चर्ड एंड यूज टेबल्स, नो एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस आर नॉन रिलेशनल फ्लेक्सिबल एंड यूज डॉक्यूमेंट्स, की वैल्यू पेयर्स, ग्राफ्स और वाइट कॉलम, दैट इज द डिफरेंस। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मोंगोडीबी, मोंगोडीबी का एडवांटेज क्या है। फ्लेक्सिबल स्कीमा, हाई परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड जेसन लाइक स्टोरेज फॉर्मेट, ये इसके अंदर का प्लस पॉइंट है। मतलब जैसे बहुत सारे लोगों का ऐसा कंफ्यूजन होता है कि मोंगोडीबी का ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस होता है कि MySQL का होता है। देखो परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो नो एसक्यूएल का परफॉर्मेंस बेटर होता है, ठीक है, एसक्यूएल के कंपैरिजन में। यदि आपके पास एक लिमिटेड डेटा स्टोरेज, यदि आपको बहुत अनलिमिटेड डेटा स्टोरेज चाहिए तो ये उल्टा भी हो सकता है, लेकिन स्केलेबिलिटी के अंदर, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के अंदर यदि अपन बात करें तो मोंगोडीबी बेटर है और इजी टू अंडरस्टैंड भी है, क्योंकि एसक्यूएल के अंदर क्यूरी बनाना अपने आप में एक बिग टास्क होता है, ठीक है। एसक्यूएल बहुत ज्यादा ह्यूज लेवल पे होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होता है, लेकिन मोंगोडीबी के अंदर आपको सिर्फ कलेक्शन बनाना है, डॉक्यूमेंट्स बनाना है और बिल्कुल सिंपल वे में, मतलब आपको ऐसा क्यूरी लिखना है जैसे आपको ऐसा फील होगा कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर का कोड लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोड जेएस एंड रिएक्ट जेएस, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हर इंटरव्यूअर पूछता ही है। तो नोड जेएस क्या है, आपका सर्वर साइड रन टाइम एनवायरनमेंट है। देखो फिर से क्लियर कर रहा हूं मैं कि नोड जेएस कोई लैंग्वेज नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि नोड जेएस इज अ सर्वर साइड लैंग्वेज, नो, नोड जेएस इज नॉट अ लैंग्वेज, जेएस इज अ लैंग्वेज, नोड इज अ एनवायरनमेंट, रन टाइम एनवायरनमेंट होता है जहां पर हम जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर डायनेमिक प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप बिना नोड जेएस के डेटाबेस प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, पर नोड के थ्रू आप डेटाबेस प्रोग्रामिंग कर सकते हो, वो भी सिलेक्टिव डेटाबेस में सपोर्टेड, जैसे मोंगोडीबी हो गया, ठीक है, आपका MySQL हो गया, इस टाइप के डेटाबेस पे काम करता है। रिएक्ट जेएस क्लाइंट साइड है, ब्राउजर बेस होता है, ठीक है, फॉर बिल्डिंग UI, ठीक है, यूजर इंटरफेस बनाने के लिए होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेस जेएस एंड नोड जेएस, अब ये भी क्वेश्चन आ गया, मैंने नोड जेएस तो बता दिया। एक्सप्रेस जेएस जो होता है ये वेब फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, रिएक्ट फ्रेमवर्क नहीं होता है, ठीक है। एक्सप्रेस जेएस क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है बिल्ट ऑन टॉप ऑफ नोड जेएस और ये नोड जेएस के टॉप में बना हुआ होता है टू सिंप्लीफाई सर्वर साइड कोडिंग। यदि इसका मेन काम यदि आपको प्रैक्टिकली बताया जाए, इट प्रोवाइड सेट ऑफ राउट, ठीक है, जो पाथ होते हैं ना उनको क्रिएट करने का काम इसी का होता है। API यदि आपको
बनाना है तो एपीआई के अंदर जो पाथ का इंप्लीमेंटेशन करना है, जो मिडिलवेयर प्रोवाइड करने का काम होता है, वो एक्सप्रेस जेएस का होता है। व्हाई इज नोड जेएस कॉल्ड अ सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोड जेएस को सिंगल थ्रेड एनवायरनमेंट क्यों बोलते हैं। तो सिंगल थ्रेड इवेंट लूप टू हैंडल मल्टीपल कॉन्करेंट रिक्वेस्ट, मतलब नोड जेएस के अंदर एक सिंगल थ्रेड होता है और ये इवेंट लूप के अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस को इंप्लीमेंट करता है। जैसे आपने पांच प्रोग्राम एक साथ चलाया तो पांचों प्रोग्राम एक इवेंट लूप के अंदर क्या होते हैं, नोड जेएस में रन होते हैं। इसलिए नोड जेएस को अपन क्या बोलते हैं, सिंगल थ्रेड बोलते हैं। और यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है नोड जेएस का, इसीलिए हम इंडस्ट्री के अंदर नोड जेएस को प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये सिंगल थ्रेड होता है। इसके बेसिस में इसका परफॉर्मेंस क्या होता है, बेटर होता है एज कंपेयर टू अदर बैकएंड बेस्ड लैंग्वेज। जैसे अपन जावा की बात करें, ठीक है, अपन पाइथन या जेंगो की बात करें, तो ये सिंगल थ्रेड नहीं होते, ठीक है, ये मल्टी थ्रेड एनवायरमेंट में काम करते हैं, जबकि नोड जेएस आपका पूरा सिंगल थ्रेड होता है। इसलिए इसमें एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग ज्यादा होता है। व्हाट इज एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग? देखो ये क्वेश्चन भी नोड जेएस का कॉमन है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं कि मर्न स्टैक में सिर्फ आप रिएक्ट जेएस मत पढ़िए, रिएक्ट जेएस के साथ साथ आप नोड जेएस भी पढ़िए, एक्सप्रेस जेएस भी पढ़िए, मोंगोडीबी भी पढ़िए। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि वो सिर्फ रिएक्ट 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 एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ लेते हैं और मर्न स्टैक के इंटरव्यू में जाते हैं, जबकि मर्न स्टैक में रिएक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस ही नोड जेएस की है। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, इसलिए नोड जेएस पे आप फोकस अच्छे से करिए। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पैराडाइम दैट अलाउ नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन, एसिंक्रोनस का मतलब होता है नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन। मतलब आपने यदि दो लाइन लिखा है, मान लो फर्स्ट वाला लाइन थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा है, सेकंड वाला लाइन कम टाइम ले रहा है, तो सेकंड वाला लाइन पहले एग्जीक्यूट होगा और फर्स्ट वाला लाइन बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशंस होता है एनेबलिंग अदर प्रोसेस टू कंटिन्यू व्हाइल वेटिंग फॉर एन ऑपरेशंस टू कंप्लीट। जैसे आपने डेटाबेस से कोई डेटा फेच कर रहे हो और सिंपल आपने हेलो वर्ल्ड लिखा है, डेटाबेस से डेटा फेच करने का कोड आपने पहले लाइन पे लिखा है और हेलो वर्ल्ड आपने दूसरे लाइन पे लिखा है, तो पहले क्या चलेगा, हेलो वर्ल्ड चलेगा, उसके बाद वो डेटाबेस से फेच ऑपरेशन चलेगा। इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। इसलिए कभी-कभी एसिंक्रोनस को अपने को सिंक्रोनाइज भी करना पड़ता है। व्हाट इज प्रॉमिस इन जावास्क्रिप्ट इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग द इवेंचुअल कंप्लीशन और फेल्यूर ऑफ एन एसिंक्रोनस ऑपरेशन। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपको सक्सेस या फेलियर्स बताए, मतलब यदि आपका कोड सक्सेस हुआ तब भी वो एक्नॉलेजमेंट दे, यदि आपका कोड फेल हुआ तो उसको भी हैंडल करे। मतलब एक तरह से देखा जाए कि ये एक तरह से एक प्रोटेक्ट करता है आपके फेलियर्स को, कि जहां पर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम फेल हो सकता है लेकिन फेल होने के बाद भी हमारा दूसरे प्रोग्राम में कोई इफेक्ट ना आए, उसको आप प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैनेज करोगे। तो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक तरह से गारंटी देगा कि नहीं, ये प्रोग्राम आपका 100% एग्जीक्यूट होगा, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, सक्सेस हो या फेल हो, पर प्रोग्राम आपका लास्ट तक चलेगा। व्हाट इज एसिंक अवेट इन जावास्क्रिप्ट? ठीक है, सिंटैक्टिक सुगर बिल्ट ऑन प्रॉमिस टू राइट, मतलब प्रॉमिस को एक शॉर्टकट फॉर्मेट में आपको लिखना है या प्रॉमिस को आपको एक एसिंक्रोनस कोड के अंदर एक सिंक्रोनस मैनर के अंदर यदि आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप एसिंक अवेट का यूज कर सकते हो। ठीक है, कुछ लोग प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के थ्रू हैंडल करते हैं, कुछ लोग किसी भी मेथड को हैंडल करने के लिए एसिंक अवेट के थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये सिंटैक्टिक एक तरह से देखा जाए तो ये इसी का एक अल्टरनेटिव पैटर्न इसका प्रॉमिस का। व्हाट इज द रिएक्ट कंपोनेंट लाइफ साइकिल? रिएक्ट का कंपोनेंट लाइफ साइकिल तो ये पूछा ही जाता है, देखो कि माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग, ठीक है, इसका सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है, ये सब चीजें, मतलब आपको रिएक्ट लाइफ साइकिल में अपडेटिंग के अंदर क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ठीक है, माउंटिंग में कौन सा मेथड्स होता है, कंपोनेंट डिड अपडेट कब कॉल होता है, कंपोनेंट डिड माउंट मेथड कब आपको लगाना है, किसके अंदर आपको स्नैपशॉट मेथड का यूज करना है, कंपोनेंट अनमाउंटिंग, डिड अनमाउंटिंग या कंपोनेंट विल अनमाउंट मेथड कब लगाना है, तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल कंपोनेंट एंड क्लास कंपोनेंट? फंक्शनल कंपोनेंट इजी टू यूज, इजी टू लर्न, बट If you want to implement React Life Cycle, then it is not very easy to implement it. आपको यदि React Life Cycle implement करना है तो उसके लिए आपको hooks का use करना पड़ता है। ठीक है, functional components आपका simpler use होता है, ठीक है, लेकिन जो class component होता है ये stateful होता है, more complex है थोड़ा सा। मतलब आपको यदि object oriented programming के features implement करना है तो आप इसका use कर सकते हो और इसमें React Life Cycle आप बहुत अच्छे से manage कर सकते हो। तो ये बहुत confusion होता है कुछ developers को पूछते हैं कि कब आप functional component use करोगे, कब आप class component use करोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप दोनों में से कोई सा भी use कर सकते हो। ठीक है, वो आपके यूज केस पे डिपेंड करता है, आपका टीम पे डिपेंड करता है, आपके स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। पर यदि देखा जाए तो इजी टू लर्न क्या होता है, फंक्शनल कंपोनेंट होता है, इसलिए कंपनी ज्यादातर फंक्शनल कंपोनेंट को प्रायोरिटी देती है क्योंकि इसको हम बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। व्हाट आर कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स इन रिएक्ट जेएस? देखो स्टेटफुल कंपोनेंट्स को अपन कंट्रोल्ड बोलते हैं, जिसके अंदर हर एचटीएमएल एलिमेंट्स का अपना सेपरेट सेपरेट क्या होता है, स्टेट होता है, उसे अपन कंट्रोल्ड कंपोनेंट बोलते हैं। जिसका सेपरेट स्टेट नहीं होता, जो स्टेटलेस होते हैं, वो क्या होते हैं, अनकंट्रोल्ड। ये पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड, तो आप ये समझ लो कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच होता है ना जावास्क्रिप्ट का, उसी अप्रोच को फॉलो कर। तो मतलब आप ये समझ लो कि कभी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करवाना है अपने प्रोग्रामिंग कोड के अंदर, तो वहां पर आप अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट का यूज कर सकते हो। व्हाट आर प्रॉप्स इन रिएक्ट जेएस? इट इज आल्सो द कॉमन क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट फॉर प्रॉपर्टीज, प्रॉप्स का जो शॉर्टकट है, प्रॉपर्टीज का शॉर्टकट ही प्रॉप्स है। प्रॉप्स आर रीड ओनली इनपुट पास टू कंपोनेंट। जब भी आपको कोई इनपुट को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में भेजना है तो वहां पर आप पास का यूज कर सकते हो। व्हाट इज स्टेट इन रिएक्ट जेएस? एन ऑब्जेक्ट दैट होल्ड्स डायनेमिक डेटा एंड डिटरमाइंस द कंपोनेंट्स बिहेवियर। ठीक है, आपके कंपोनेंट्स के अंदर का कोई भी डायनेमिक डेटा यदि आपको कहीं
पर भी स्टोर करवाना है तो उसके लिए आपको स्टेट का यूज करना पड़ेगा। फंक्शनल कंपोनेंट में आप यूज स्टेट यूज करते हो, और यदि आप क्लास कंपोनेंट यूज करते हो तो कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस डॉट स्टेट इक्वल टू, और इस तरीके से ऑब्जेक्ट फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉप्स एंड स्टेट, दोनों का बिल्कुल अलग है। रीड ओनली पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, मतलब प्रॉप्स का काम क्या होता है, रीड ओनली रहता है और पेरेंट से लेकर के चाइल्ड कंपोनेंट में पास किया जाता है। स्टेट जो होता है वो म्यूटेबल होता है, मतलब आप इसको चेंज कर सकते हो, मैनेज्ड विद इन द कंपोनेंट, कंपोनेंट के अंदर ही रहता है, ये कंपोनेंट के बाहर नहीं जाता है। व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट एपीआई इन रिएक्ट जेएस, इसका काम भी होता है यदि आपको डेटा पास करना है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में बिना किसी हायरार्की के, तो आप किसका यूज कर सकते हो, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज कर सकते हो। इसके लिए यूज कॉन्टेक्स्ट करके एक हुक्स भी यूज होता है। व्हाट आर एचओसी, एचओसी एक्चुअली क्या होता है, एक तरह से देखा जाए तो एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है या एक पर्टिकुलर मॉड्यूल होता है जिसके अंदर आप एज अ पैरामीटर किसी कंपोनेंट को पास कर सकते हो जो अपने आप में एक कंपोनेंट रिटर्न करता है। तो इसका बेसिकली यूज कहां पर होता है कि जैसे आप चाहते हो कि आपको किसी भी कंपोनेंट में कुछ एडिशनल बिहेवियर एड करना है तो वहां पर आप किसका यूज कर सकते हो, एचओसी का यूज कर सकते हो। हुक्स क्या होते हैं, हुक्स भी एक तरह से फंक्शन होते हैं जो रिएक्ट के लाइफ साइकिल के करस्पॉन्डिंग कॉल होते हैं, और ये इम्प्लिसिट इवेंट्स होते हैं, हुक्स अपना इम्प्लिसिट होता है, और हुक्स जो होता है वो हमेशा टॉप प्रायोरिटी में लिखा जाता है। आपको जब भी आपको हुक्स यूज करना है तो आपको टॉप प्रायोरिटी में ही इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यूज इफेक्ट, यूज लेआउट इफेक्ट, ठीक है, यूज मेमो, इस टाइप से आपका यूज रिडक्स, इस टाइप से बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, यूज रिड्यूसर, इस टाइप के बहुत सारे हुक्स होते हैं, यूज स्टेट, यूज कॉन्टेक्स्ट, ये सभी क्या है, हुक्स हैं। तो हुक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, कोई सा भी हुक्स इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेगा, और इसका रियल टाइम एग्जांपल भी आपसे पूछेगा कि भाई इसका रियल टाइम एग्जांपल क्या है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूज इफेक्ट एंड यूज लेआउट इफेक्ट इन रिएक्ट जेएस, ठीक है। यूज इफेक्ट क्या होता है, रन एसिंक्रोनसली आपका रेंडर, मतलब रेंडर होने के जस्ट बाद क्या है ये चलता है। यूज लेआउट इफेक्ट क्या होता है, रन सिंक्रोनसली आफ्टर रेंडर बट बिफोर द डोम अपडेट्स, अपडेट्स डोम अपडेट होने के पहले चलता है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि यूज लेआउट इफेक्ट जो है पहले चलता है और यूज इफेक्ट थोड़ा सा लेट चलेगा, मतलब आपका मेन डिफरेंस होता है एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में, ठीक है। तो रन एसिंक्रोनसली आफ्टर रेंडर, दैट इज यूज इफेक्ट, रन सिंक्रोनसली आफ्टर रेंडर बट बिफोर द डोम अपडेट। व्हाट इज द एपीआई, एपीआई का मतलब यही होता है कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के बीच में, डिफरेंट एप्लीकेशंस के बीच में यदि आपको कम्युनिकेट करना है तो आपको एपीआई का यूज करना पड़ेगा। व्हाट इज रेस्ट एपीआई, रेस्ट मतलब होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर एपीआई, एन आर्किटेक्चर स्टाइल फॉर डिजाइनिंग नेटवर्क एप्लीकेशन। दो टाइप के एपीआई होते हैं, एक रेस्ट होता है, एक सोप होता है। सोप मतलब सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, ये एपीआई अभी कम यूज होता है क्योंकि इसका परफॉर्मेंस और थोड़ा सा मतलब ये कॉम्प्लेक्स भी होता है। रेस्ट आपका बहुत इजी टू लर्न होता है, इजी टू मैनेज होता है, ठीक है, आप बहुत आसानी से उसको बना भी सकते हो, टेस्ट भी कर सकते हो, इसलिए कंपनी मोस्टली रेस्ट एपीआई को प्रीफर करती है। रेस्ट का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, सोप और रेस्ट में क्या डिफरेंस है बता दिया मैंने। हाउ कैन यू गेट डेटा फ्रॉम एन एपीआई, एचटीटीपी रिक्वेस्ट यूजिंग फेज और एक्सोस इन जावास्क्रिप्ट, एक्सोस करके भी होता है और फेज, दो अलग अलग अप्रोच होता है। फेज एक आपका क्या होता है, इनबिल्ट अप्रोच होता है, मतलब ब्राउजर के अंदर ये इनबिल्ट रहता है। एक्सोस को आपको अलग से एक लाइब्रेरी यूज करना पड़ता है एक्सटर्नली, रिएक्ट जेएस में पहले आपको एक्सोस की लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इसका यूज कर सकते हो। तो ज्यादा सिक्योर, ज्यादा रिलायबल एक्सोस होता है एज कम्पेयर टू फेज। ओके, हाउ यू कैन मैनेज जेसन डेटा, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका डेटा यदि जेसन फॉर्मेट में आता है उसको कैसे मैनेज करोगे, तो इसके लिए जेसन डॉट पास मेथड होता है, एंड ऑब्जेक्ट टू जेसन के लिए जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ये जरूर पूछा जाता है कि जेसन डॉट पास मेथड और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, इसलिए क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना। हाउ डू यू कन्वर्ट जेसन टू ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा, यही क्वेश्चन है, पास और स्ट्रिंगिफाई, जेसन से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए पास होता है और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या करता है, ऑब्जेक्ट से वापस से आपको जेसन में कन्वर्ट करता है। व्हाट इज द फेज अप्रोच टू कॉल एन एपीआई, ए मॉडर्न जावास्क्रिप्ट मेथड फॉर मेकिंग नेटवर्क रिक्वेस्ट एंड हैंडलिंग रिस्पांस। ठीक है, एक्सोस, एक्सोस जो होता है ये प्रॉमिस बेस्ड एचटीटीपी क्लाइंट फॉर मेकिंग एपीआई रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट, ज्यादा सिक्योर और ज्यादा रिलायबल आपको एक्सोस मिलेगा। ठीक है, डिफरेंस जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, फेज में बिल्ट इन लेस इंटुइटिव एरर हैंडलिंग, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, इजियर यूज, बेटर फॉर एरर हैंडलिंग, एक्सोस में ये हो। इसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैच एंड पुट मेथड्स, ठीक है, पैच मतलब ये क्वेश्चन हमेशा इंटरव्यूअर पूछता है, ये एचटीटीपी के मेथड होते हैं, एचटीटीपी में मेथड्स आपके 6 मेथड्स होते हैं बेसिकली, जिसमें से पैच और पुट में डिफरेंस पूछा जाता है। तो पैच पार्शियली अपडेट करता है और पुट जो होता है अपडेट्स आर क्रिएटरीज होते हैं, तो डेटा जब आपको अपडेट करना है, पूरा डेटा आपको अपडेट करना है, तो वहां पर आपको पुट यूज करना चाहिए, और यदि आपको पार्शियली मतलब एक कॉलम को या दो कॉलम को यदि आपको अपडेट करना है तो वहां पर आपको पैच का यूज करना चाहिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एचटीटीपी मेथड, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ऑप्शंस एंड हेड, इसके बारे में आप जरूर पढ़ना कि एचटीटीपी मेथड क्या होते हैं, कौन कौन से एचटीटीपी मेथड होते हैं। ठीक है, व्हाट इज स्टेटस कोड, एचटीटीपी में स्टेटस कोड क्या होता है, 1, 2, 3, 4, स्टेटस कोड का मतलब क्या होता है, जैसे आपका 404 आता है तो 404 मतलब क्लाइंट एरर होता है, 5 के साथ जो भी आता है सर्वर एरर होता है, 3 से जो एरर आता है वो रिडायरेक्शन होता है, 2 से जो एरर आता है वो सक्सेस होता है, और 1 से जो एरर आता है वो इन्फॉर्मेशनल होता है, ये हमेशा इंटरव्यूज के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर मैंने इतने क्वेश्चंस आपको बताए, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इसके बनाऊंगा, उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर और बताऊंगा। थैंक यू।